नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर और स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर। फ्रेंड, आप लोगों ने इस वीडियो को ओपन करने से पहले हमारा थंबनेल को देखा होगा और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ें। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको जो भी मेथड बता रहे हैं वो अपडेट आया है, न्यू मेथड है। इस वीडियो के मेथड को आप लोग भी अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अप्लाई करो। अगर आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉक हो चुका है पासवर्ड पैटर्न पिन, तो इस मेथड से आप अपने ओप्पो फ़ोन को लॉक से अनलॉक कर सकते हो, अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को रिमूव कर सकते हो। नहीं तो फ्रेंड, आप ऐसे सिचुएशन में जब आपका फ़ोन लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं हो पाता है, आप लोग सर्विस सेंटर जाओगे या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाओगे, दोनों जगह पैसा लगेगा, समय लगेगा। फ़ोन के अंदर जो भी फैमिली फ़ोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, गेम, जो भी आप रखे हो, एप्लीकेशन, ऐप, सब डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोन अनलॉक होगा। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर, लैपटॉप के और बिना इंटरनेट कनेक्शन के फ्री में हम आपको बताते हैं ओप्पो का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जब आप लोग अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा पैटर्न पिन पासवर्ड, जैसे कि इस फ़ोन में आपको पासवर्ड लॉक दिख रहा है। आप यहाँ पे अपना बार बार पासवर्ड को ट्राई मत करना फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे इस वीडियो पे आने से पहले भी आप लोग अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को ट्राई कर चुके हो। तो अब आप लोग अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को ट्राई मत करना, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो पे आने से पहले भी आप लोग बहुत बार ट्राई कर चुके हो तो आपका फ़ोन डेथ भी हो सकता है। आपको फ्रेंड जब आप स्वीप अप करोगे, आपको यहाँ एक सिंगल ऑप्शन दिखेगा पासवर्ड पैटर्न पिन के नीचे, इमरजेंसी SOS। शायद आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल के भी नाम से हो सकता है। आपको इसी ऑप्शन का मदद लेना है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपके फ़ोन में इमरजेंसी कॉल है तो इमरजेंसी कॉल पे भी आप क्लिक कर सकते हो। ये ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन में एक डायलेट ओपन होगा। क्लिक किया मैंने, डायलेट ओपन हुआ। ये डायलेट साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड, इमरजेंसी कॉल्स ओनली। यहाँ पे आपको किसी को कॉल नहीं करना है। अगर आप कोई नंबर लगाते भी हो तो वो डायल हो जाएगा लेकिन कॉल नहीं जाएगा। ये कोड गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, लास्ट में हैज लगा देना। ये कोड आपको लेके चला जाएगा एक आफ्टर सेल पेज के पास, या इंजीनियर मोड नाम का पेज ओपन होगा, लेकिन ऑप्शन सेम होगा। आपको यहाँ पे चार नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा ऊपर से, मैनुअल टेस्ट का, चार नंबर ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। ध्यान से देखना फ्रेंड, फर्स्ट पेज को कैंसिल करना है, सेकेंड पेज पर आना है डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे आने के बाद सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का सेंसर चेक करना है कि अगर आपके फ़ोन में सेंसर डीएक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट करना है, और अगर एक्टिवेट है तो उसको एक्टिवेट ही रहने देना है। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा, चार्ज टेस्ट के नीचे आपको दिख जाएगा सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन। आपको फ्रेंड यहाँ पे वर्क करना है, यहाँ पे क्लिक कर लेना। दो सेंसर आपके फ़ोन में शो कर रहा है, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, ऑपरेशन नॉट स्टार्टेड, दोनों सेंसर डीएक्टिवेट है, हम इसको एक्टिवेट करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए आपको दोनों को स्टार्ट करना है क्लिक करके। अगर ये स्टार्ट होगा तो आप ये ऑन होगा या ऑफ होगा, लेकिन इसको स्टार्ट करना जरूरी है, और एक सेंसर आपका पास होना चाहिए। यहाँ पे दो सेंसर है तो हम दोनों को स्टार्ट करते हैं। येलो कलर का हो चुका है फ्रेंड, मैंने पहले ही बताया था, एक फेल हो चुका है, दूसरा पास हो चुका है। इसी पास की आपको भी आवश्यकता है, बैक कर लेना। थोड़ा सा ऊपर आओगे जी सेंसर के नीचे आपको दिखेगा जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लेना। डाटा डिस्प्ले, तीन नंबर ऑप्शन, सर्विस सेंटर वाले या रिपेयर मोबाइल दुकानदार वाले पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा डिलीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन नंबर ऑप्शन पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है। क्लिक कर लेना डाटा डिस्प्ले पे, और इसको 30 तक अपने फ़ोन में वर्किंग करने देना। ये टोटल आपका वर्किंग डाटा से रिकवरी का चल रहा है, ये डाटा रिकवरी से ही वर्क चल रहा है, और इस वर्क से आपका टोटल का टोटल डाटा रिकवर होगा। और मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी, 30 प्लस हो जाए बैक कर लेना, 30 पड़ा के रुक जाए बैक कर लेना। जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा। स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट कर लीजिएगा। अगर यहाँ फेल आता है तो आपको फिर से ट्राई करना होगा, लेकिन जब तक यहाँ पास नहीं आएगा तब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा। पास हो जाए बैक कर लेना, चले जाना लास्ट पेज पे जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे क्लिक कर लेना। ये कोड अवश्य डाल देना फ्रेंड आप लोग, ओके कर लेना। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके भी स्क्रीन पे शो कर रहा है फ्रेंड, तो पासवर्ड पैटर्न पिन रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है। की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, क्लिक करके चेक करना पास है या फेल। पास होना चाहिए, फेल नहीं। अपडेट हुआ, अब भी आपके सामने अपडेट हुआ, नेम में जितना भी की है, स्टेटस में सब पास 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 है।
तो यहाँ से आपको फ्रेंड अपना लॉक बटन दिख रहा होगा, लॉक बटन पे प्रेस करके रखे रहना अपने फ़ोन को। आपको रीस्टार्ट पावर ऑफ का ऑप्शन आएगा, आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लेना। सभी को ये वर्क करना है, रीस्टार्ट करके फ़ोन को थोड़ा सा ओपन रीस्टार्ट होने देना है। कुछ समय लगेगा 30-40 सेकेंड, जो आपको वीडियो में बने रहना है। ये जो मेथड हमने आपको बताया है फ्रेंड, ये मेथड न्यू आया है, अपडेट आया है, जिस मेथड से आप ओप्पो के कोई भी मॉडल को अनलॉक कर सकते हो, अपना पासवर्ड पैटर्न पिन रिमूव कर सकते हो घर बैठे, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के फ्री में आप अपना ओप्पो फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो इस मेथड से। तो फ्रेंड आप लोग वीडियो में बने रहना, अब ये फ़ोन अनलॉक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना फ्रेंड। देखते हो फ्रेंड अपनी आँखों से कि ये ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन फुल्ली तरीके से रीस्टार्ट हो चुका है, और इस फ़ोन में जो कि पासवर्ड लॉक था, ये पासवर्ड लॉक भी रिमूव हो चुका है। और इस ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन का डाटा आप लोग देख लो, डाटा इस फ़ोन का टोटल रिकवर हो चुका है। पैसा भी बचा, समय भी बचा, डाटा भी बचा, और जो भी वर्क आप लोग के सामने हुआ सर्विस सेंटर वाले, ये वर्क आपको कभी नहीं दिखाते फ्रेंड। तो अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, लॉक नहीं हो रहा है, मॉडल नंबर के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूँगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।